तू का सोचत रहलू बच के निकल जाइबू के रहा लनु सब पता ना ठीक बा चला आवा हम तोरा छोड़ देता नहीं आवा कहे रोक देनी पहले रउआ ई बताई कि रउआ के घर कहवा बा अगर रउआ बोली तो अब यहीं छोड़ दी अगर घर दूर होकी तो सवेरे जाए के पड़ी अगर रउआ बोली तो पुलिस स्टेशन छोड़ दी पुलिस ना पुलिस ना का भइल अब पुलिस वालन भी तोहार दुश्मन बाड़न हमके कुछ मालूम नहीं खे ई का कहत बाड़ू तू अगर रउआ बोली तो हम रउआ के घर छोड़ दी अगर करीब होगी तो हम अब यहीं छोड़ देब अरे का भेल रोए काहे लगलू अरे घर से कोनो झगड़ा करके आयल बाड़ू का तू नहीं खे बताइबू तो हमरा के कैसे मालूम पड़ी हमके हमके कुछ याद नहीं के हमके कहाँ से आयल बानी हमार घर कहाँ हमके बस इतना याद पा कि पीजीआई में हमके होश आई शायद हमार एक्सीडेंट हो गई रहे तो कुछ लोग हमके हॉस्पिटल पहुंचा दे लेकिन जब से होश आई बा हमके कुछ याद नहीं के कुछ याद नहीं के ई तो बहुत परेशानी के बात बा बाकी ई लोग रउआ के दुश्मन का है बाड़न नहीं के मालूम हमके ई हो नहीं के मालूम ई लोग आज रउआ पे पहला बेर हमला कैले का ना दूसरे बेर हमरा के मारे के कोशिश भइल बा और हमके कुछ समझ में नहीं आवत कि हम कहाँ जाए का करी कुछ समझ में नहीं आवत अच्छा अच्छा रोई ना हम रउआ के पूरा मदद करब चली हमरा घर चली
राउर घर रउआ हमरा पे पूरा भरोसा कर सकेली, हम एगो बढ़िया घर के लड़का बानी। चली आई आई रउआ उ लड़की के या उ गुंडन के चेहरा ना देख ले राला। अरे देखिए ना मैम साहब, कितना अनहार बा। ई अनहारे में केहू के चेहरा दिखाई देता, हमरा के तो कुछ समझ में नहीं आयल। बाकी उ पोस्टर में नंबर वाला छपोइल बानी ना, बस उहे देख के फोन कइनी हा। एकर मतलब अगर तोहरा के उ लोगन के चेहरा दिखा दिहल जाए तब भी ना पहचान पाइबा। नहीं मैम साहब, कहे कि बहुत अनहार रहल ना। कहा रहले? कितना बेर कहले बानी 7-8 बजे घर आ जाइल कर, बाकी तोरा के तो डरे नहीं खे। माई कितना घूमे के पड़ेला, एजा से बारा बंकी से लखनऊ, दिन भर भूखल प्यासल। हमरा के कुछ मत सुनाओ, कहले बानी ना टाइम से खाना नाश्ता कर ली हल कर, बाकी तोरा के का हा? ऐसा लगेला कंपनी के सारा जिम्मेदारी तोरे माथे पे डाल दी हल गई। अरे माई नौकरी तो नौकरी बा, अब अधिकारी बुलाई है तो जाए के पड़ी। अरे ये के है? माई कुछ गुंडा इनके पीछे पड़ल रहलन, इनका उनसे बचा के लेके आवता नहीं। केहू मुसीबत में रहे तब तो ओकरा मदद करे के चाहिए ना। आवा आई आवा बाबू भूख लागल बा, देखा ने मम्मी आ गेली। हमर बाबू देखो मम्मी आ गेली नु। ओ मा बाबू चुप हो जा, आवा जा मम्मी लगे। देखनी मैम साहब लड़का लोग कितना छोटो के माई के गोदी पहचाने ले। सही बात बा चंदा, सही बात। अच्छा चंदा तू तनी गर्मा गर्म चाय बना दे। बिल्कुल साहब, हम बहुत थक गए। जल्दी से जी। पुलिस के नौकरी के मतलब ये थोड़े होला कि आदमी अपन जिम्मेदारी भूल जाए। देखा था बेचारा कब से भूखा बा। मालूम बा। बाकी कबो कबो ऐसा भी हो खेला कि चाह के भी वापस आयल मुश्किल हो जाला, और फिर पुलिस के ड्यूटी जिम्मेदारी के काम बा। अनु हम देखत बानी तू कुछ सोचत बाड़ू, कौनो बड़ा कांड तो ना हो गई? एगो लड़की के बारे में खबर मिलल बा के ओकर जान खतरा में बा, और अब तलक ओकरा बारे में कुछो पता ना चलल। अभी तक ओकरा बारे में कौनो खबर ना मिलल। का कहत जब एकरा के पते नहीं के एकर घर बार कहां बा, एकर मतारी बाप के बा, तो तू का करबा बतावा। यह सोच के तो हम भी परेशान बानी के का करी, कुछ समझ में नहीं खियावत बा। बाकी लड़की के कहीं छोड़ के भी ना जा सकीला। बाकी ये जवान सियान लड़की के घरों में तो ना रखल जा सकीला। ई का कहत बाड़ू माई, अगर ये लड़की हमनी के ना रख सकब तो एकर का होखी? और वो गुंडा बदमाश इनकरा खोजत हुई है, इनकरा मारे खातिर। बाकी अब तू करबा का, ये सब मामला बहुत नाजुक होला। तू तो एकरा के घर ले आयल बाड़ा, बाकी हमार मन बहुत घबराता। तू चिंता मत कर माई, हम यह सोच रहल बानी कि कौनो तरीके से इनकर घर वालन के पता चल जाए और हम इनके घर पहुंचा दी। हाँ तू ऐसन करा, इन घर फोटो अखबार में छपवा था। फोटो देख के कर माई बाबूजी आई हैं और ले आ जाई। हम भी यह सोचत रहनी माई, बाकी ई ना हो सकेला। काहे
पता वा का है माई, अगर अखबार में पता छपा देनी तो उनकरा के मालूम पड़ जाई कि ई लड़की हमनी के घरे में बिया। हाँ, ई बात तो सही बा। बाकी तू अब करबा तो करबा का बतावा। सवेरे देखल जाई माई, अब भगवान ही कोनो न कोनो रास्ता निकली है। ओम भूर्भुवस्वा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवसे धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवसे। अरे ये तू बनेलो? जी, वो हम रसोई में गई नी तो दूध शक्कर चाय पत्ती के देख के लागल के हमके बनावे आवेला, तो हम बना देनी। ये तो बहुत बढ़िया बात बा बेटी। तू जिकरा भी घरे के बाड़ू तोरा बनावे के तो सब कुछ आवत होगी, बस बात इतने ही बा कि रउआ के कुछ याद नहीं खे। तू चिंता मत करा बेटा, बहुत जल्दी तोहर माई बाबूजी मिल जाइए। हम ना माई, ये कोनो छोट मोट बात नहीं खे, ये जरूर कोनो बड़े घर की लड़की बिया। तभी इनका मारे के वो गुंडा लोग लागल रहलन, जरूरी बात में कोनो राज बा। और ये राज के पर्दा तबहिये उठी जब इनकर याददाश्त वापस आई। तू चिंता मत करा बेटा, बहुत जल्दी तुहार याददाश्त वापस आ जाए। हम हो चाहता नहीं कि हमारी याददाश्त वापस आ जाए, कि हम के हैं, कहां से आइल बानी, के हैं। बहुत कोशिश कहनी बाकी कुछ हो याद ना आई। मत रुआ बेटा, हमरा के भगवान जी पर विश्वास बा, बहुत जल्दी तू अपन माई बाबूजी से मिलबू। बेटा कुछ हो कर, कैसा हूं कर, एकरा के एकर माई बाबूजी से मिलवा दे। का मुसीबत बा, ना पुलिस वालन के पास जा सकेनी और ना अखबार में छपवा सकेनी। चला देखा तानी। तोहनी सब ये एरिया के गुंडा बाड़ा, और तोहनी सब के ये ना मालूम बा कि वो रात लड़की के रहल और वो गुंडा के रहल। हम कसम खा के कहते नहीं सरकार, हमने के कुछ नहीं के मालूम, कुछ नहीं के मालूम। जब तक ना बताइबा तब तक ऐसे ही पिटाई कर। बोल, बताओ क्या है। का भइल, उ लड़की के कुछ पता चलल? ना मैडम, हमनी के सारा एरिया छान मरली लेकिन उ लड़की के कहीं पता ना चलल। त का एकर मतलब ई मानल जाए कि गुंडा उ लड़की के उठा के ले जाए में कामयाब हो गई ले? ऐसन कोनो खबर नहीं मिलल। आखिर उ लड़की गइल कहवा? ओके जमीन त ना खा गइल होकी, कुछ ना कुछ त उ लड़की के संग भइल होकी ना। रउआ सबसे पहले ई पता लगाई के उ लड़की के बिया और कहवा के रहे वाली बिया। ऐसन करा के सबसे पहले ई पता लगावा के आसपास के इलाका में कोनो लड़की गायब तो ना भइल। जी, हमार बेटी का पता लगाई मैडम, वो दो दिन से गायब बिया, पता लगाई। राउर बेटिया दो दिन से गायब बिया, नवा रिपोर्ट लिखवावे आ जा रहल बानी। मैम साहब, इज्जत के सवाल बा, हम खुल के केहू से बता ना सकेली कि हमार बिटिया घर से गायब हो गई बिया। लेकिन अब तो सबके मालूम हो गई। अगर हमार बेटी के पता ना लगल तो हम केहू के मुंह दिखावे लायक ना रह जाई मैडम। घबराई मत, सब ठीक हो जाई। रउआ अपन बिटिया के कोनो तस्वीर ले आई बानी?
हाँ हाँ लाइल बानी। रोवा लोग के केहू के संग दुश्मनी तो ना बा? नहीं। का भाई कुछ पता चला? कुछ ना मालूम चला। ओखी तो इजे कहीं जो जाके ढूंढ। ए एकरा के देख ले। हाँ ना ना ना। ए एकरा के देख ले। हाँ नहीं। अरे भैया सुना सुना एक लाल सूट में लड़की के देखला। ए बेटा एकरा के कहीं देख ले। हाँ माई वो कहूँ अभी ओके वो है लड़की हो ही छत पे। बाकी तू इतना घबराइल का है बाड़ा बताओ था नहीं। अरे कहा इतना हड़बराइल रहा लाई लड़का। हट तरे कहाँ कहाँ ढूंढ ले एलईकी के जोन बचा के ले गई। वो एक बार सामने आ जाए तो ओकरा के ना छोड़ती। हमरा के पता बा ओके पहचान जाए। अब तो उस सरवा के लाखन के भीड़ में पहचान ले। खोजे के कोशिश करो। हम हूँ ओकरा के खोजे जाता नहीं। रुका कहाँ गई ललू? छत पे। एगो बात समझ ली आज के बाद ना तो तू छत पे जाइबू और ना ही बाहर कदम रखबू। काहे? काहे कि जौन गुंडा लोग तोहरा के मारे की कोशिश करत रहलन आज भी वो तोहरा के बाहर खोजत बाड़न। देखी हम रउआ लोग के कोनो मुसीबत में डाले ना आइल बानी। हम आज रात के चल जाइब। ए देवी जी देखी अब रोए धोए की कोनो जरूरत नहीं के। ई घर में तू एकदम सुरक्षित बाड़ू और वैसे भी ई घर में कदम रखे के केहू के हिम्मत नहीं के। और वैसे भी तोहरा के कुछ याद नहीं के। कहाँ जाइबू का करबू? चला आराम से रहा और जोन आगे होखी वो देखल जाई। हाँ हमरा के तो हमार नामो याद नहीं खे। नाम? अरे नाम तो धरा गई बा देवी जी। और वैसे वो लोग कहीं रहुआ के पहचान जाई ता? ना हमरा के ना पहचानिए। चला बाय। अरे रुको रुको कहाँ घर है बबुआ? बड़ा कायदे कानून के पक्का लगा तड़ा बड़ा हेलमेट बेलमेट लगा के चला तड़ा। काहे रउआ की हेलमेट से कोनो तकलीफ बा का? तकलीफ तो नहीं खे बा। बाकी ई तहरा बाइक से चौराहा तक जाई है और तोहर चांद जैसन मुखड़ा देखी है। पिछली बार बिना सोचले समझले को बाइक पे बैठ गई नी। दरोगा जी का बाइक रहे सीधे पुलिस स्टेशन जाकर रोक दहले। हे हेलमेट उतार और मुखड़ा दिखाओ। हाँ
देख लेनी। हाँ ठीक बा। चल बाद में बात करते नहीं। चल बबुआ चल जल्दी कर। चली बिटिया का यह रहुआ की बिटिया बिया। हाँ मैम साहब बहुत बहुत धन्यवाद राहुल के हमार बिटिया मिल गई। का मामला बा कहा मिली ये लड़की। रेलवे पुलिस पकड़ लस। आज घर घर में सोशल मीडिया घुस चुकल बा। सोशल मीडिया पे दोस्ती भइल फिर ओकरा बहकावे पे ई लड़की भाग के मुंबई जात रहल। बाकी रेलवे पुलिस उ लड़का के गिरफ्तार कर लेलस जौन पहले भी कई कांड कर चुकल बा। रेलवे पुलिस ई लड़की के पुलिस के हवाले कर देलस लेकिन शर्म के मारे ई लड़की अपन घर के पता भी ना बता पौलस। पुलिस एकर तस्वीर सब पुलिस स्टेशन में भेज देले रहल यही खातिर एकर पता तुरंत लग गई। केहू के बहकावे में आके तू इतना बड़ा कदम उठा ले लू के तोहरा के अपन माई बाबू के इज्जत के जरा भी ख्याल ना आई। कम से कम अपन भविष्य के बारे में तो सोच ले हो तू। देखिए हमार बिटिया आज तक ले हमार बिटिया कबो घर के बाहर कदम ना रखला। अच्छा जे घर के बाहर कदम ना रखले आऊ इतना बड़ा छलांग लगावे की कोशिश कर ले। रउआ लोग भी अपन बच्चन के मोबाइल तो दे दीनी। कम से कम उनके ई तो समझाई के सोशल मीडिया पे कैल दोस्ती पे भरोसा ना कैल करें। आजकल लड़कियन के सावधान करब बहुत जरूरी बा। जी जाई अब अपन बिटिया के लेके घर जाए। धन्यवाद मैडम। चलो 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 इनका देख के ता हमरा के लागल के कल रात वाली लड़की इनकर बिटिया होगी। बाकी वो तक केहू और ही निकलल। पता ना वो लड़की कौना हालत में होगी और कहवा होगी। वाह मर्दवा वाह तू तो कमाल के खिलाड़ी बाड़ा। अरे नकली दामाद बन के यह ससुरारी में आकर रहता रहा केहू के कौनो कानो कान खबर नहीं थी। बिटिया ये देख के कुछ याद आवता का ना ना हम तो बस एंजॉय करता नहीं। अरे वाह ये ले चाचा तू। अरे वाह इतना इंपोर्टेंट बाहो। अरे कहाँ से कहाँ तो बंदा। अरे वाह अरे बेटा ऐसन कर एकरा के लखनऊ घुमा लिया हो सकेला यहर वहर देखी तो एकरा के कुछ याद आ जाए। हाँ मई ठीक बा। सुनी सवेरे जो गुंडा लोग आयल रहे उनका से कुछ बात भइल। कैसन बात ऐसन लोगन से बात ना लात और मुक्का होखेला। देख बेटा केहू से ज्यादा लड़ाई झगड़ा कैले की जरूरत नहीं है। हाँ अरे मई हम कोनो गुंडा मवाली नहीं की और ना ही केहू से लड़े चाहता नहीं मगर एगो बात बा हम केहू से डरे नहीं। हाँ हाँ ठीक बा। आप जो एकरा के लखनऊ घुमा के लिया जा बेटा। माई आज के खाना के स्वाद कुछ बदलल बदलल से बा। काहे घर के माहौल कुछ बदलना लगा था। घर
तनी मनी। अरे बुद्धू, आज खाना बिटिया बने ले बाड़ी। देवी जी, ये खाना रउआ ही बने ले बानी। रउआ हमके रउआ मत कहीं, हमके अच्छा ना लागेला। बिटिया, काहे उदास हो गई लू? अरे एकर तो मजाक करे के आदत बा। एगो बात कही, तू खुश रहल करा, ऐसन उदास रहलू ना तो अच्छा ना लगेला। देवी जी, ऐसन हालत में बेचारी कैसे खुश रहे? ठीक बा माई, कल हमरा बनारस जाए के पड़ी। कुछ अधिकारी इन्वर्टर बेचे खातिर जगह जगह पर सेमिनार लगौले बाड़न। वहां से लौट के आई तब देखब कि देवी जी के का करे के बा। कौनो खराब सपना देख लू का? बहुत 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 बुरा सपना देखनी। कैसन सपना बिटिया? सपना तो सपना होला, जायदा हम है ना तोरे साथ। आवा सुत्ता सुत्ता आवा। सिंह कैबिनेट मंत्री लाजवंती जी जा धोखे लेके आवा। चलो दुल्हन, हाँ चूल्हा के पूजा शुरू कर। हाँ ठीक बात। और हाँ, अच्छा माई, चाचू दांत में दर्द की गोली, बैग में दूगो तीन को कपड़ा रख दा। हम तो हर कपड़ा रखते लेवानी। ये बतावा, मोटरसाइकिल से तब दूजी बा? ना, मोटरसाइकिल से ना जाए, कंपनी की ओर से गाड़ी ले लेवानी, उही से जाए। अच्छा ठीक। ये जगह कहाँ भेज दी क्या? जगह माई, हाँ हमरा के लागत बा के टीवी देख के इनका के कुछ याद आइल बा। ई जगह के देख के लागत था कि हम ई जगह के जानत हई, लेकिन लेकिन कुछ याद नहीं खियावत, कुछ याद नहीं खियावत। हमार शक सही बा, लखनऊ के ना बनारस के बानी। काहे के बनारस के सीन देख के इतना घबरा गई बानी? हाँ बेटा, कम से कम ये तो पता चल गई ना कि लखनऊ के ना बनारस के बिया। हाँ, हाँ। एक मिनट बिटिया, तू बनारस जाइबू? हाँ चला देवी जी, कपड़ा पैक कर ला, बनारस चले के बाद। हेलो मैडम, एगो शॉपिंग मॉल के बाहर लागल सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग भइल बा। एगो लड़की मॉल के सामने से भाग रहल बिया और कुछ गुंडा लोग ओकर पीछे लागल बाड़न। अच्छा, ई कब के फुटेज बा? ई उ वक्त के फुटेज बा जब हमनी के लड़की के भागे के और गुंडन के पीछा करे के खबर मिल रहा। एकर मतलब वो फुटेज के जरिए हमने वो लड़की के पहचान तो कर ही सके नी? वो फुटेज के पुलिस स्टेशन मंगाला, हम भी पहुंचता नहीं। जी मैडम, वो फुटेज हम मंगवा ले बानी। अनु, अरे हमार बटन। अनु, तू तो कानून के सारा जिम्मेदारी अपना सर पर ले ले लू, तनी हमरो जिम्मेदारी ले ला। आपके तो बस हर वक्त मजाक ही सूझेला। एगो लड़की के मामला बा,
दुई दिन पहले ओके जान से मारे के कोशिश कैल गई। पता न कौन बिया उ लड़की। ई बात के एहसास हम कर सके नी कि उ लड़की के माई बाबू पे का गुजरत होगी, काहे कि आपन से बिछड़े के दुख का होखेला ई हमरा से बेहतर केहू न जान सकेला। अनु, तोहार काम हमार काम ई सब कहा। सुबह तक घर से जाए नहीं, हमने अपना अपना काम पे, लेकिन शाम के हम अपना पेशेंट के आ तू अपना मुजरिम के। डर लगेला सोच के। खैर हमरा क्लिनिक जाए के बा, हम चलत नहीं। ठीक बा। अरे शंभुनाथ जी, प्रणाम प्रणाम, प्रणाम। भाभी जी नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। आई आई कैसे हाँ, बारे चली, चली। आई बैठी चली बैठी। शंभुनाथ जी अचानक हमरा घर के रास्ता कैसे भूल गई नी। अरे भाई हमरा आवे पे कोनो शक मत करी है। हाँ। कहा है कि भाभी जी तो खुद ही डीएसपी हैं, अगर हमनी के कोनो कानूनी काम पड़ जाए ना तो भाभी जी के पास कोनो गुंजाइश ना बा। ऐसा ना बा भाई साहब, ई पुलिस के वर्दी हम इहे खाते पहनले बानी के हम हमेशा कानून के संग रही। जी जैसे पुलिस के नजर में केहू आपन पराया ना होखेला, वैसे हमरे नजर में भी केहू आपन पराया नहीं खे। वाह वाह कितना सुंदर विचार बा आपके। वाह। और फिर हमार त ई मानब बा के अगर केहू जुर्म कैले बा त ओके ओकर सजा जरूर मिले के चाहिए। जी ऑफ कोर्स, तलाम रा के गिरफ्तार करला। कौन जुर्म में? हम बहुत बड़ा जुर्म कैले बनी। कौन जुर्म? एगो पुलिस ऑफिसर से शादी जे का लेनी। शंभुनाथ जी रुवा पता बा कि अपना सगा मौसा के 7 साल खातिर जेल करवा देली। जाने तो नहीं कहे गलती से केहू पे गोली चला देले। अरे बाप रे, बहुत सख्त बाड़ी। अच्छा भाई साहब, रुवा लोग बात करी। हमरा के जल्दी बा, हमरा के आज समय से पहुंचे के बा। भाभी जी कौनो गंभीर केस बा का? अरे शंभुनाथ जी रुवा पता बा, कौनो भी महिला का केस हो तब बिल्कुल लापरवाही ना करे ली, बहुत सख्त हो जाले। जी जान से मेहनत करे ली। तो भाभी जी आज भी केहू महिला के केस बा का? हाँ भाई साहब, एगो लड़की के मामला बा, दुई दिन पहले ओके मारे के कोशिश कैल गए रहे। और फिर हमरा के भी अभी तलक ना मालूम पड़े के वो लड़की के भी आ। अच्छा अब हम चलते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। का शुद्ध विचार बा, का उत्तम विचार बा। शंभुनाथ जी कहाँ खो गई नी? कितना शुद्ध विचार है। हाँ उतहा। अरे बीबी के कर है। बिकी। जी माई। बेटा कोशिश करिया जल्दी लौट आई। हाँ ठीक बा माई, अब देवी जी के भी ले जात बानी तो हो सकेला पता लगावे में थोड़ा टाइम लग जाए। अगर पता ना लगी तो ज्यादा परेशान मत होइया, बिटिया के वापस ले आई। हाँ ठीक बा। बिटिया लंबा सफर बा, आपन ख्याल रखिया, विकी के साथ मत छोड़िया। हाँ जी। विकी धीरे गाड़ी चलैया, जोर से मत चलैया। हाँ ठीक बा। चला तानी फिर आई। हाँ जा जा। मैडम हम शॉपिंग मॉल के आसपास पता कहीं नहीं, बाकी सीसीटीवी सिर्फ शॉपिंग मॉल के सामने ही लगल रहल, कोनो और दुकान में सीसीटीवी नहीं खे। हमने आसपास के इलाका में पूछताछ कहीं नहीं, लेकिन कुछ पता ना चल पौलस। अब पता चली, अब वो लड़की के बारे में पता लगाई ज्यादा आसान हो जाई। प्रोजेक्टर ऑन करा। रुका रुका रिवाइंड करा, स्लो करके चलावा। लड़की के चेहरा कुछ क्लियर ना दिखाई दे रहा बा, जूम करा।
आदमी। बाकी ऐसे ना कटी जैसे तू काटल चाहत बाड़ू। तनी कुछ बोली बतियाई रवा तो इतना चुपचाप बनी, तनी हसी मुस्कुराई तो रास्ता भी कट जाई। हम केकरा बारे में? राउर बारे में? बाकी हम राउर बारे में तो कुछ जानते ही नहीं थी। राउरा बारे में ही का? हमके तो अपना बारे में कुछ याद नहीं थे, तो हम अपन बारे में का बतियाई? जब कुछ याद ही नहीं के तो भूला जाई ऊ बात के। का करी ऊ बातें ऐसन बा, कैसे भूला जाई? और एके सवाल दिमाग में बार बार आवेला कि हम के हई, हमार नाम का बा, हम कहाँ से आइल बानी और केहू से हमार का दुश्मनी बा। सुनी, हर काम के एगो वक्त लगेला, जब वो वक्त आई तो पता लग जाई। बाकी अब रउआ एगो काम करी, मुस्कुरा दी। का भाई? वो देखा, वो छोट से बच्चा के भी नहीं खे मालूम कि वो के बा, ओकर माई बाबू के बड़न, तब भी बहुत खुश बा। हम भी यह चाहतानी कि रउआ भी सब कुछ भुला दी, खुश रही। हमरा के मालूम बा कि रउआ दुखी बानी, और ई भी मालूम बा कि जवन दुख रउआ अपना दिल पे उठा रहल बाड़ू, वो महसूस हमरा के हो रहल बा। तू कौनो चिंता मत करा, हम तोहरा संग बानी, भगवान हमनी के संग बाड़न। आज न तकल हम ही पता लगा ही लेब कि रउआ के बानी। एगो बात हम सोचा तानी कि वो गुंडा लोग जौन रउआ पे हमला कई ले रहलन, वो लोग के तो जरूर पता होगी कि रउआ के बानी। तू परेशान ना हुआ, जौन होई देखा जाए। कबीरा, का भइल? बड़का भैया, हमनी के बहुत तलाश करनी लेकिन उन लड़की ना मिला। एक बार हाथ से निकल गई ना, ओकरा बाद कुछ पता ना चला। शर्म आवे के चाहिए, शर्म आवे के चाहिए तू लोगन के अपने आप के गुंडा कहेला। अरे फिसिद्दी से लड़की, तू लोग नौकरा के पकड़ पौला, न रोक पौला और न मार पौला, बच के भाग गई। एक काम करा, तू लोग बाजार में बैठ के ताली बजावा ताली। वो लड़की के हमनी के खत्म कर दिले होती लेकिन वो लड़का पता ना कहां से आ गई और वो लड़की के ले उड़ल। तो वो गई कहां? आसमान निकल गई कि जमीन खा गई? अरे होई थी ही शहर में ना। ई बात के 3 दिन बीत गई, 3 दिन हमनी के गली गली लड़की के तलाश कर नहीं जा, लेकिन लेकिन कोनो पता ना चला। हम कुछ सुने नहीं की चाहत, कुछ भी सुने नहीं की चाहत, हम सिर्फ ओकरी मौत की खबर सुनल चाहता नहीं, बस। वो लड़की मिल जाए ना तो कुछ ऐसा खबर सुने के मिली। बड़का भैया, है हम कुछ सुनो नहीं की चाहत, हम बस वो लड़की की मौत की खबर सुनल चाहता नहीं, बस। अरे अरे तू अपने आप के गुंडन के सरताज कहेला, गली से लेके शहर तक हर गुंडा तोहरा के जानेला, हाँ? तो आज इतना मजबूर का है बाड़ा, बोला। वो लड़की हमरा से ज्यादा देर तक ना छुप पाई, हम ओकर पता लगा के रहब
पता करा कबीरा, पता करा। वो लड़की शहर में ना है तो कहाँ बा? अरे ओकर तस्वीर तो बाना तोरे पास। हाँ, तस्वीर बा। ओकर तस्वीर अपने आदमियन के हर शहर में, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, इलाहाबाद सबके मोबाइल पे सेंड कर दा। और ओकरे नीचे लिख दे कि लड़की के पता बतावे वाले के भारी इनाम दिहल जाई। ठीक बा, हम अभी सेंड कर देता नहीं। अपन पूरी ताकत लगा दे कबीरा, अपन पूरी ताकत लगा दा। अगर वो लड़की बच गई ना तो हमने के केहू ना बचल जाओ। तोरा के मालूम नहीं खे वो लड़की के बा। दीदी यही जगह कहाँ आके बैठ गई लू, चलो ना। ओहो माधवी, अब हम तोहरा जैसन उछल कूद ना कर सकेनी। डॉक्टर साहब मना कैले बाड़न। डॉक्टर साहब ना ई कहा जीजाजी मना कैले बाड़े। अरे डॉक्टर लोग भी ना सर्दियों हो जाला तो हिसाब किताब समझावे लगेलन, ई मत कर ऊ मत कर। अच्छा दीदी अगर तू उछल कूद ना करबू तो सुंदर और सुशील लड़का पैदा कैसे हुई बतावा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सिखाओ तारू। बहुत जल्दी तोहरा शादी होखे वाला बा, तब देखो तानी शादी के बाद कैसे उछल कूद करबू। जीरा जी, हम कोनो डॉक्टर से बिया हरगिज ना करब। हाँ। अरे डॉक्टर इतना बुरा हो गए? हाँ। हमरा सामने हमार सिखाई। हाँ। अब तरह के ना छोड़े। ला देखा तोहार बहन कितना शरारती हो गई बड़ी। तू करबू का ना? ई कबो कबो माधवी के शरारत सोचे ली ना तब बहुत चिंता हो खेला। शादी के बाद ही ससुराल में कैसे रह पाई? तू कहे चिंता करता रू, यह उम्र बा उछल कूद करे के, अब ना करिए तो कब करिए? वैसे भी तो लड़का हमने के खोजे के बा, ऐसा ही उछल कूद करे वाला लड़का ढूंढ दिया ताकि दोनों मिलकर उछल कूद करत रहिए। रवा ठीक कह रहल बानी, माई बाबू के मरले के बाद ओके ब्याह के सब जिम्मेदारी हमनी पे बाना। अब हमने के तय करे के बा के लड़का कैसन होखे, एकर ब्याह कब और कैसे होखी सब। तू बिल्कुल चिंता मत करा, सारा जिम्मेदारी हमार बा। आखिर बाबूजी के बचन जे देहले बानी। माधवी। हाँ हाँ दीदी। केकरा से बतियावत बाड़ू? दीदी बस केहू ना, ऐसे ही। ऐसे ही केहू तो होखी ना दीदी, हमारे को सहेली ही आ। कौनो सहेली? जहाँ तलक हमरा के याद बा, हम तोरा सब सहेलियन के जाने ली। दीदी ये फेसबुक पे फ्रेंड बनल बिया, बहुत जल्दी मिला देब। माधवी कभो आपन भविष्य में ऐसन काम मत करिहा कि तोरे जीजा जी के शर्मिंदा होके के पड़ी। तू जान लू ना हम एगो पुलिस ऑफिसर बानी और तोहार जीजा जी डॉक्टर बाड़न। इस शहर में उनकर बड़ा नाम बा, अगर कोनो बात होखी तो ना ऊ बर्दाश्त कर सके हन और ना हम बर्दाश्त कर सकब। दीदी तू चिंता मत कर। दीदी 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 कहाँ भइल? दीदी दीदी कहाँ भइल? हाँ चंदा चंदा जल्दी आवा। दीदी दीदी हाँ दीदी, ड्राइवर से कहा गाड़ी निकाले के। जी दीदी दीदी संभाल अपना आपके। अब ये पहले से बहुत बेहतर है, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। आराम कीजिए। कितना सुंदर बा, जाना तारू के कर पगल बा, तोहरा पे बिल्कुल तोहरा जैसा। विशाल। चंदा। जी मैम साहब। रात बहुत ज्यादा हो गई बा। हाँ उतबा। अब तू लोग ऐसन करा कि घरे निकल जा। अनु डॉक्टर अशोक के फोन आई रहा, वो सारा डॉक्टर लोग इकट्ठा कर ले बने।
काहे बाबू के आवे के खुशी में पता ना का प्लानिंग बा लोग के तो हमरे वहां जाए के होई जाई थैंक यू चंदा तू ऐसन करा के ड्राइवर के संगे लेके जी तू घरे जा ठीक बात काहे से कि कल सवेरे तो है नाश्ता लेके आवे के होखी जी नाश्ता के का जरूरत बा काहे डॉक्टर साहब कहली ना कि कल सवेरे सवेरे डिस्चार्ज कर दिए काल के नाश्ता हमनी के साथ में घर पर कर जाई चंदा तू ये रोका मैडम पर ध्यान दो ठीक बा ठीक बा साहब मैम साहब के लगे रहा अच्छा हम चलते हैं अपन ध्यान रखिए बाय संभाल के माधवी कहाँ भैया दिखाई नहीं के दे अरे माधवी हाँ अरे यह कहीं हुई सुनी हम रउआ से एगो बात कहल चाहता नी बोला ना आपन माधवी बहुत सीधी सादी भोली भाली बिया और आजकल चारों तरफ ऐसन ऐसन घटना हो रहल बा जौन हैरान कर देवेला गांव से लेकिन भगावल जा रहल बाड़ीन गायब करल जा रहल बाड़ीन अब त हमरा के इहे लागेला कि कौनो लड़का देख के अच्छा भला हमनी के अपन माधवी के ब्याह कर देवे के चाही अरे तू बिल्कुल चिंता मत करा माधवी के ब्याह कर हमार जिम्मेदारी बा अब हम जल्दी है कौनो अच्छा लड़का ढूंढ के ओकर ब्याह कर दे अच्छा हम चला था नहीं चंदा से भेज दिया चाय चंदा जी मैम साहब ए चंदा जी मैम साहब अरे चंदा माधवी कहाँ बिया दिखाई न देत बिया ऐसन करा जाके ओकरा कमरा में देखा शायद ओइजे होके ठीक बा मैम साहब देखत बानी मैम साहब माधवी मैडम कहीं नहीं थी और उनका कमरा से चिट्ठी मिलल बा चिट्ठी हम तोहरा से बतावे वाला रहनी बाकी हमरा के मालूम बा कि तू और जीजाजी बदनामी के कोनो बात बर्दाश्त ना करी है यही खातिर हम ये फैसला कईले बानी कि हम जेकरा से प्यार करत आनी हम ओकरा संगे ही रहब बस एगो विनती बा दीदी कि हमरा के खोजे की कोशिश मत करी हम जेकरा से प्यार कईनी ओकरे बेइज्जती ना बर्दाश्त कर पाई हम ओकरा संग अपन जिंदगी आबाद करे जा रहल बानी हम ई भी जानत बानी कि तू एगो पुलिस अधिकारी बाड़ू बाकी हमरा के खोजे के कोशिश मत करी हा तोरा के हमार कसम अगर कोनो कानूनी कार्रवाई भई तो समझ ली हा कि हमार लाश तोरा के मिली हम अपन जिंदगी आबाद करे जा रहल बानी हमरा के हमार जिंदगी अब जिए द लोग बाकी दीदी हमके माफ कर दिया अनु का भेल बा तोहरा आंख में आंसू अरे ई का माधवी के फोटो देख रहल बाड़ू हैं तू तो गए रहलू ओकर पता लगावे खातिर का भाई ओकर कुछ पता ना चलल का अनु जब से माधवी गेल बिया हमने के एगो फोन तक ना कैलस काका सोचले रहनी ओकरा बारे में काका सपना सजोले रहनी सब पर पानी फेर देलस
अपना प्यार के चक्कर में हमनी के प्यार भुला गई ना। माधवी बहुत बड़ा मुसीबत में बिया। इका कहता रहो तू। हम सही सही कहत बानी। दो ही दिन पहले 10:90 पे खबर मिल रहल के रेलवे ट्रैक पे कुछ गुंडा लोग एगो लड़की के मारल चाहत बाड़े। पुलिस ओहिजा पहुंचल, हम भी ओहिजा पहुंचनी, बाकी उस लड़की के कुछो पता न चलल। बाकी आज सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख के पता चलल कि वो फुटेज में जाने ली का पता चलल का वो लड़की और कौन नहीं अपन माधवी रहल। ये कैसे हो सकेला? ये सोच के तो हम हूँ परेशान बानी कि माधवी कोने लड़का से प्यार करत रहल। ऐसन कौन लड़का बा जेकरा संग माधवी गईल? कोनो बात नहीं खे, अब हम माधवी के पता लगा के रहब। कुछ हो जाए अब तक हम पता लगा के ही रहब कि के बाऊ लड़का। ए देवी जी, यहाँ देखा, ये गंगा नदी बा, सर झुका के मत बैठा, बाहर देखा, कुछ याद आ जाए। ठीक बा। और तनी हमरा से भी अखिया मिला के बतिया ली, हमरा भी दिल हरियर हो जाए। का भाईल? ये कंपनी के गाड़ी बा, झटका खाके रुक गई। का भाईल मालूम नहीं के, उतर के देखे के पड़ी। ऐसा लगत बा कि कंपनी वाले हमरा के खटारा गाड़ी दे देले बाड़। अब कौनो मैकेनिक के बुलावे के पड़ी। चाय पिलावा जी। रवा परेशान मत होगी, कुछ इंतजाम हो जाए। ली मैडम, आप बोली। एको बात बताओ, जल्दी कोनो मैकेनिक के इंतजाम हो जाए? मैकेनिक के इंतजाम भैया 2-3 किलोमीटर दूर जाए के पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, चाय पियावे खातिर। ठीक बात, पिया चाय पिया। हाँ सफेक। हाँ बड़का भैया, जो लड़की के तू तस्वीर भेजले बाड़ा वो यहाँ बा प्रयाग में। उकरे साथे वो लड़का भी बा, उकर गाड़ी खराब हो गई बा। अच्छा ठीक बा सफेक, हम आवत नहीं। जी भैया। मुन्ना चल प्रयाग चला। सफीक भाई, हम गाड़ी बना देले बानी, अब हमार पैसा दी हम चली। अरे इतना जल्दी काहे के बा, एक बार फिर से चेक कर ले, कहीं गाड़ी में कोई गड़बड़ तो ना बा, नहीं तो दिक्कत हो जाए। अरे सफीक भाई, संजा हो गई, हमारा देर होता अब घरे जाए के बा। वो बेचारे लड़का लड़की बोर हो रहल बाड़े। तू दोनों की चिंता मत कर, उनकरा खातिर कोई खास लोग आ रहल बाड़न, समझ ले। ठीक बा ना? चला तन। अब कहाँ चले जाओ?
हमरा की समझ में नहीं आवत बा कि गुंडा लोग हमनी के पीछे काहे पड़ल बाड़न। देखी रउआ, हमरा वजह से अपने आप के खतरा में मत डाली। ये का कहत बाड़ू तू? ई ना हो सकेला। अरे ई का? रोइना रवा, रोइना रवा, रोवत ना हसत के बढ़िया लगे लो। पता ना काहे हमरा के तोहार आंसू बर्दाश्त ना होकेला, और अब हमरा लोगन के और भी सावधान रहे के चाहिए। काहे कि वो गुंडा लोग के पता चल गई बा कि रउआ बनारस में बानी। रउआ रोई ना। बोला कबीरा, हमनी के तो लईकी मिल गई रहा, लेकिन ओकरा संगे आज फिर लईकवारा है। का ओकरा संगे जो लईकवारा है? हां, फिर ओकरा ले उड़ल। अच्छा, आज भी हाथ से निकल गई, आज भी ना मिलल? चिंता मत करी बड़का भैया, हमनी के देखले बानी वो दोनों बनारस की ओर गई बाड़े। वो जमीन में भी लुका जी है ना, तो जमीन फाड़ के निकाल ले आए। ए कबीरा, बकवास मत कर, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर वो लड़की ना मिलल ना, तो तू अपनी मनहूस शकल हमरा के मत दिखाइए, बुझले? ठीक बा बड़का भैया। मैडम बोला, का खबर ले आल बाड़ा? ओ जब फुटपाथ पे सूते वाला एगो आदमी हमरा के बतावला से कि कुछ गुंडा माधवी के मारे के कोशिश करत रहलन, लेकिन कोनो लड़का हो जा आके ओकरा के बचा लेलस, और वो लड़का ओकरा के अपन गाड़ी में बैठा के ले गई। लेकिन वो लड़का के बा ये बारे में हमनी के कोनो खबर ना मिल पौलस। ई बात समझ में ना आयल कि कौन ओकरा के मारल चाहत बा और काहे मारल चाहत बा, और ओकरा से भी बड़ बात ई बा कि कौन ओकरा बचावल चाहत बा। बात समझ में ना आ रहल बा। वैसे तो पंपलेट हम छपवा देले बने, कल पूरा लखनऊ में चिपकवा दिहल जाई। मैम, मैडम रुआ बतौले रानी कि माधवी जी
केहू के संगे ब्याह करे खातिर घर छोड़ के चल गई रहनी। कहीं ई लड़का उहे त ना जेकरा से ब्याह कैले होखे। हम ई बारे में ता कुछ कह न सकेनी, काहे कि मामला बहुत उलझल बा और हमरा के डर भी बा कि हमेशा खातिर कहीं हम आपन बहिन के खो न दे। रउवा चिंता ना करी मैम, हम कुछ भी करके उनकर पता जरूर लगाए। रउवा ऐसन करी के आसपास के सब जिला में माधवी के तस्वीर के संग अलर्ट भेज दी। अलर्ट तो काल ही भेजल जा चुकल बा मैम। गुड, काश के कहीं से उनकरा बारे में कोनो खबर मिल जाए। ए देवी जी, यहाँ आई। देखी सवेरे और सांझ के यहाँ बैठ के गंगा माई के दर्शन किहल जा सकेला और घाट पे जे भी आवेला ओकर मन पवित्र हो जाला। रउवा भी कुछ बोली, कुछ बतियावल करी। हम का बोली? अच्छा छोड़ी, रउवा जाके नहा ली। कपड़ा तो गड़िये में छूट गई बा, कोनो बात नहीं के हम जाके दूसर कपड़ा की व्यवस्था कराता नहीं। ठीक बा। रउवा जाई और नहा ली, हम थोड़ा देर में आवता नहीं। हमरा खातिर कितना परेशान बाड़न, आपन जान भी खतरा में डाल लेले बाड़न। अगर इनका के खरोच भी आ गई तो हमरा से बर्दाश्त ना होगी। और देखी हमरा के लड़की लोगन के कपड़ा खरीदे एकदम नहीं खी आवेला और ना ही कबो खरीद ले बानी। बाकी ई कपड़ा हम रउवा खातिर लाइल बानी। अब कपड़ा अच्छा होगी या खराब होगी रउवा पे बहुत बढ़िया लगी। बहुत अच्छा बा। ठीक बा, रउवा जल्दी से तैयार हो जाई, तब तक हम बाहर खड़ा बानी। हमरा के हमार घर पहुंचावे में हमरा हुआ ऊपर कोनो आश ना आवे दे और एकर एक ही को रास्ता बा कि जैसे हम राउर करीब आयल रानी वैसे ही चुपचाप रउवा से दूर चल जाई। हमार तकदीर में जवन लिखल होगी उहे होगी, हम रउवा की काहे मुसीबत में डाली। Yeah.
देवी जी, आज बड़ा सवेरे उठ गई लू का। देवी जी, देवी जी, देवी जी, देवी जी, देवी जी, देवी जी, कहाँ चल गई ली? देवी जी, कहां भड़ू तू? ए भाई, जरा रुकी। का भाई? हमनी के साथ एगो लड़की रही, रउआ देखले बानी का? अच्छा, वो लड़की? हाँ, वो तो भिनसारे चल गई। का जात बेरा कह के गईलिन है कि रउआ आपन काम करी और केहू से कुछ बताइए मत। हाँ, अच्छा साहब, चलें। तू ऐसन काहे कहलू? हाँ देवी जी, हम तोरा के खतरा में कैसे छोड़ सकेनी? हमरा के खतरा में समझ के तू अपना आप के अलग कर ले लो। हम तोरा के बेसहारा ना छोड़ब। हम आवतानी देवी जी। बनारस हमनी के घूम ले जाए, फिर भी ओकर कहीं पता ना चला। अब बड़का भैया के हमनी के का जवाब दे जाए? उ तब हमनी के कहीं के ना छोड़े। ससुर के कहीं भी पता ना चलत बा। Thank you.
कब ले भागत रहबो? अब चला, हमनी के साथ चला, वही जहां से भाग के आयल बाड़ू। बेकार में अपने साथे साथे सबके मुसीबत में डाला तड़ू, तोरा वजह से वो लवंडा भी मराइल। नहीं, चुपचाप चल। हम नहीं। चल छोड़ो के। चल छोड़ो ना, हम नहीं। चल छोड़ दो। तू लोग काहे हमरा पीछे पड़ल बाड़ा, छोड़ दो हमके। चल बुकी ना, चल। बहुत परेशान कैले हते, तेजा सबूत खातिर वीडियो बना ले, बड़का भैया के दिखावे के काम आई, काम हो गई बा। सोच के हमारे साथ छोड़ दे ले रहे ई गुंडन के डर से? अरे हमरा के कुछ ना होखी। देखी हमार जवन हुई ओ हुई, बाकी हमरा हुआ के खतरा में नहीं खी डालना चाहत। हम तो गैर बानी, बाकी रहुआ के हमार इतना चिंता काहे? हम कुछ नहीं खी जानत। देखी रहुआ अपना आपके खतरा में मत डाली, हमके हमार हाल पे छोड़ दी, बस रहुआ अपन घर लखनऊ चल जाई। ना, या तो तोहरा के तोहार घर पहुंचाई, या तो अपन साथे लेके जाई। याद नहीं के माई का कले रही? या तो तोहरा के तोहार घर पहुंचाई, या तो संगे लेके आई। देखी रो जानत नहीं की उन लोग बहुत खतरनाक लोग बड़े, हमार बात मान ली ही। तोहरा खातिर तो हम हर खतरा से टकरा जाई। काहे का रिश्ता बा हमारा रउआ के?
हमरा खातिर काहे? जानल चाहे लू ना कि तोहार हमार का रिश्ता बा? इस संसार के सबसे बड़ा रिश्ता होखेला उ दिल के होखेला, और इस समाज के जो सबसे बड़ा रिश्ता होखेला उ आज तोहार और हमार होखी। और इस मंदिर में इस देवी देवता के साक्षी मान के आज हम तोहरा अपन पत्नी के रूप में स्वीकार कर। ई बात तो हम सोची ना पैनी के हम तोरा लायक ना बानी। रउआ के संग इतना दिन से रह के रउआ से प्यार हो गई बा, बाकी हम शायद ऐसा नहीं की कि तोहार साथी बन सकी। खैर कौनो बात नहीं के ना, ऐसा बात ना, भगवान के चरण में बासी फूल ना चढ़ावल जाला। रहुआ तो देवता है, हम राउर लायक नहीं थी, राउर प्यार के लायक नहीं थी, और ना ही राउर साथी बने के लायक बानी। तू का कहल चाहत बाड़ू? देवी जी हमरा के कुछ समझ में नहीं आवता। सच्चाई ई है कि हमारी याददाश्त नहीं खी गई। हमरा सब कुछ याद बा, बस हम केहू के भी आपन सच्चाई नहीं खी बतावल चाहते। बतावल चाहत रानी कि हमरा साथे का भय का गुजरल बा हमरा ऊपर। का कहत बड़ू तू? के बड़ू तू बतावा? के बड़ू तू बतावा? चुप का है बड़ू? ए लड़की, रामलाली हुए लेके बियाना जकरा बारे में लखनऊ से अलर्ट आइल बा। कितना लेके इनके बर्बाद के लिए बढ़े? ना इंस्पेक्टर साहब, हम मुना बानी जकरा के रुआ खो जाता है। चल बेटा थाने में तोरा समझाए। ना ना इंस्पेक्टर साहब, इनका कोनो कसूर नहीं खे, गलती हमार है, हम रुआ साथे चलता नहीं, इनका के छोड़ दी। रामलाल लखनऊ फोन कर दा, बोला लेका लेके मिल गए। अरे ये का करत बड़ू? केहू भी आगे बढ़ल ना तो हम खुद के गोली मार ले। ये का पागलपन बा? ये ठीक ना करत बड़ू तू। जवन समझे के समझी,
केहो भी हमके रोकी तो हम सच में अपना के मार ले। विकी के छोड़ दी। छोड़ दो विक्की के। अरे रुकी मैडम, आखिर बात का बात, डीएसपी के बहिन होके पुलिस के दुश्मन समझत बड़ो? जवाब दिया हम जरूरी नहीं की समझत। चली विक्की। चलो विक्की। हेलो, अब ये बात कराओ तानी, मैडम राउर बनारस से फोन आई बा। हेलो, डीएसपी अनुप्रिया हियर। जय हिंद मैडम, हम बनारस से इंस्पेक्टर दया शंकर बोल रहल बानी। जय हिंद। कहीं का रिपोर्ट बा? मैडम हम माधवी जी के उनके साथ के लड़का के कब्जा में ले लेनी। बाकी माधवी जी हमारा रिवॉल्वर से खुद के मारे के धमकी दे के खुद भी निकल गई नी, और वो लड़का के भी लेके निकल गई नी। हमारा रिवॉल्वर भी अपना साथ ले गई नी। का माधवी ऐसन काहे कैलस? मैडम राउर बहिन बिया हमको न सख्त कदम उठा ही ना सकनी, और हमारा रिवॉल्वर भी लेके चल गेल बिया। रउआ बताई हमरा के का करे के चाहिए? हम ही जानल चाहता नी की वो लड़का के बा और हमरे बहिन के मारे के कोशिश के कर रहल बा। माधवी अगर हमारा रिवॉल्वर लेके निकले में कामयाब ना भइल होकत तो ई सब सवाल के जवाब मिल जात। तो माधवी बनारस में बिया, नजर रखी। हम भी बनारस पहुँचतानी। रउआ ऐसन करी के हमरा ऊंचा पहुँचे के इंतजार करी। ठीक बा मैडम, जय हिंद। जय हिंद। हम तो सोचले भी ना रहनी कि तू हमरा से इतना बड़ा झूठ बोलबू। अरे अब तो पुलिस के निगाह में भी हम गुनाहगार हो गई नी। अरे कम से कम अब तो बता दी कि रउआ केकरा से प्यार करेली, केकरा संग घर से भागल रहनी। बताई कि अब हम का करी। हम तो बस इतना चाहता नी कि रउआ जहां भी रही खुश रही। बताई कि हम रउआ के कहां छोड़ दी। देखी रउआ जवन को सोच रहल बानी वो सच्चाई ना? तो फिर सच्चाई का बा? लखनऊ में हमार दीदी डीएसपी है और उनका साथे साथे सबके होके लागेला कि हम के उसे प्यार करे नी, यही खातिर घर से भाग गई नी। बाकी सच्चाई कुछ और है। माई बाबू के मरला के बाद हम दीदी के साथे रहे लगनी। दीदी भी हमके माता री नियन प्यार करत रहे। सब कुछ सही रहल, सब खुश रहल। हमार दीदी माई बने वाली रहली और हॉस्पिटल में एगो बेटा के जन्म देली। हमार घर के नौकरानी चंदा दीदी के साथे हॉस्पिटल में रह गई और हम घर चल गई नी। और जीजाजी के कुछ दोस्त खुशी में पार्टी खातिर जीजाजी के ले गई ले। और Cheers! आज की शाम हमनी के डॉक्टर विशाल जी के नाम। काहे भैया, बेटवा के बाप बन गिल बड़ा, ऐसे बड़ खुशी के बात का बा? अरे भाई हम तो ये सोच के हैरान बानी कि हमनी के विशाल भाई खुद इतना बड़ा डॉक्टर और ऊपर से इनकर वाइफ डीएसपी, और जब इनकर दोनों के बच्चा होई तो बड़ा होके बनी का? विशाल भाई, भाभी जी से तो बात भैले होई कि बच्चा के का बनावे के बा, तू बोलवा डॉक्टर बनावे के बा, और भाभी जी बोलिए डीएसपी बनावे के बा। यार बात करे के टाइम ही कहाँ मिलेला जब हम फुर्सत में होनी, तो उठी उठी पर जब वो फुर्सत में होली तो हम क्लिनिक पे, तो का करी जिंदगी तनहाई में गुजरत भाई। यार मिले मिलावे के समय ना होके के बाद भी भाई तू दोनों माँ बाप कैसे बन गई ला? कौन है शक? 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 कौन है शक? हमरा ऊपर शक। लेकिन विशाल भाई एक बात तो बा, जब बीबी माँ बने ली तब पति के कमरा अपने आप ही चेंज हो जाला और पति के महीना महीना भर बिना बीबी के रात गुजारे के पड़ेला। ये बात तो बा, बाकी हम का करें? हम रिस्क ले भी ना सके नहीं।
अब तनहा जिंदगी कब तक चले, प्यार खातिर तरस जाने, बाकी करी तका करी। लेकिन विशाल भाई और कितना दिन सूखे सूखे गुजारे के बाद का बात बा? सच में क्यों कह ले भाई कि दोस्त बड़ा कमीना हो गया सर। एक तो तू लोग दारू पीला ला, ऊपर से सांप के फन के छेड़ लसन। अब तई सांप डसी निकल चुकल बा, बोला क्या करा का डसी। चलो यार अब और ना, चलो घरे निकल जाओ। अरे विशाल भाई अभी तो आयल बड़ा तू। बस हमरा तो चढ़ गई, अब और ना चलो। अरे अरे संभल के, अरे विशाल भाई संभल के। ओके अरे विशाल भाई जात तो बाड़ा लेकिन देखिए रास्ता में कोनो औरत के डस मत लिया। बाय बाय बाय। हम तो अपना पिया जी के रूप में मिले सोच लो ना। अरे जीजा जी पूरा काम खत्म करके अभी तो फ्रेश भईनी का भईल रवा पी के आइल बानी का माधवी और दोस्त लोग पार्टी दला रहले बिहा देले अपना 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 आपके संभारी एक एक काम करी रवा अपना कमरा में जाके सुत जाई जाई। एजा सुत जाए। अच्छा ठीक बा रउआ एजा सुत जाए हम दूसरा कमरा में चल जाए संभाल के। रउआ रउआ एजा सुती हम जाता नहीं। माधवी जी तुम ये सुत जाए जी हमरा डर लगा तुम्हें ये सुत जा। एका कहा था नहीं रवा रवा सोती हम जाता नहीं छोड़ी हमके छोड़ी हम जानत रहनी कि अगर दीदी के ई बात के पता लग जाए तो दीदी जीजाजी के साथे उहे कार्रवाई करीहन जवन दूसरा अपराधी के साथ होखेला और अपन दीदी के घर बर्बाद करे की जिम्मेदारी हम अपना ऊपर नहीं लेवे चाहत रहनी। और अगर हम उहे घर में रहती तो शैतान हमारे साथे उहे करीत यही से हम घर छोड़े के फैसला कही नहीं। लेकिन हमरा के इहे मालूम रहे कि हमारे दीदी डीएसपी है वो हमरा के कसहू ढूंढ लेती यही से हम दीदी के नामे को झूठा खत लिखनी कि हम अपन प्रेमी संगे घर छोड़ के जा रहल बानी हमरा के ढूंढने की कोशिश ना करी हा।
दीदी के अलावा हमार कोनो सहारा ना रहे, लेकिन हमू सोच ले रानी कि हम कहीं भी चल जाए, पर हमार जजी के इशक रहे कि हम कभी भी लौट के आ सके नहीं और दीदी के सब बात बता सके नहीं। यह डर से हमार जीजा आपन दो शंभुनाथ से कह के हमके कैद करवा ली ले। 2 महीना तक हमरा के कैद में रखल गए, लेकिन जैसे हमके मौका मिलल हम वजह से भाग निकलनी, लेकिन उनका गुंडा लोग हमरा पीछे लागल रहलन, जिनका से रहुआ हमरा के बचौले रहलन। हम तो अपन पहचान छुपा के लखनऊ से कसहो करके जाए के चाहत रानी, अब रहुआ बताई हम सही सही अपन परिचय कैसे बतौती। जब हमसे कुछ ना सूझल तो हम ये कह देनी कि हमार याददाश्त चल गेल बा, कैसे कि हम कोना कीमत पे भी अपन बहन के घर नहीं के जाए के चाहत रानी, ऐसे से हम रहुआ साथे आ गई नहीं। लेकिन जब हम देखनी कि रहुआ पर भी खतरा हो सकेला तो हम रहुआ से दूर होके की कोशिश कर ली। अब रहुआ बताई एमे हमार कवन गलती बा, बोली एमे तोहार कोनो गलती ना बा, बाकी तू अपन दीदी की जिंदगी बचावे खातिर अपन जिंदगी बर्बाद कर देलू। हमार दीदी के बहुत एहसान बाटे हमार ऊपर जवन हम कबो ना भुला सके नी। तो कहा सोच ले बाड़ू तू, अब हमार जिंदगी में सोचे लायक रह का गेल बा, बस जिंदगी को बोझ है यह बोझ के ढो रहल बानी। बस गुमनाम के जिंदगी जिए के लिखल बाब, अब रहुआ के हमार सच्चाई मालूम पड़ गई ना, अब रहुआ अपन दुनिया में लौट जाए, बनारस शहर मंदिर के शहर कहल जाला, कोनो ना कोनो मंदिर में तो हमरा के जगह मिली जाए, रहुआ लौट जाए अब। हमरा के तो ई लगा था कि ना ही तू अपना आप के समझ पैलू और ना ही हमरा के, अरे जवना गुनाह के बोझ तू अपन दिल पे रख ले बाड़ू उ तोहार नहीं के, उ के हुआ और के बाद ता ई सजा भी तोहरा के ना ओकरा के मिले के चाहिए। अरे अफसोस तो ई बात के बाद जब तक तोहार जैसन लड़की जुल्म सहत रही हन तब तक जुल्म होखत रही, बाकी अब इंसाफ होगी और होके रही, अब होगी आखिरी जंग और होके रही। अरे चंदा अनुबिया कहाँ? सर मैडम तो हमें जबानी। अरे वाह का बात बा, बड़ा खूबसूरत लगता नहीं रुआ, जात कहाँ बड़ू? हम बनारस जात बानी और शायद हम कल भी ना लौट पाई। बनारस? हाँ। ये अचानक बनारस जाए के का जरूरत पड़ गई? यही खातिर गौरव के देखभाल खातिर चंदा के भी साथ ले जात बानी। चंदा उहिजा गेस्ट हाउस में गौरव के देखभाल करी, हमरा के बहुत काम बा उहिजा। बहुत काम मतलब? हम समझनी ना। एगो खुशखबरी बा। खुशखबरी? अरे ऐसा कौन खुशखबरी बा? माधवी के पता चल गई। का? और वो बनारस में भी आ। माधवी के पता चल गई? सच्ची? और यह खातिर हमरा के पूरा सच्चाई जाने खातिर बनारस जाए बहुत जरूरी बा। हाँ, संभल के जिया। आपन ख्याल हाँ, रखब। जरूर। चला। ठीक बा? चला। जी चलो चला। बाय। ओलोलो। बाय। शंभुनाथ।
एहिजा काहे लेके आइल बानी? ई गंगा नदी बा, अपन मन के जवन भी बोझ होके ई गंगा नदी में बहा दा। काहे कि डर डर से जिये से अच्छा बा कि लड़ लड़ के मरी। आज ही गंगा नदी से वादा करा कि आज के बाद केहू के जुल्म नहीं सब और हर जुल्म के जवाब दे। काहे कि जिये के बाद त स्वाभिमान से और सम्मान के साथ वादा करी करी। हम गंगा माई की कसम खाता नहीं कि अब केहू के जुर्म बर्दाश्त ना करब और ना ही डर डर के जियब। का भइल बताओ ना। बस चुप रह, चलो ऊपर बताओ धनी। दिकार बता रहा पे शाल, आखिर बात का बा? अरे भाई आज हमार जन्मदिन है और आइला भी तो इतना देर से। मुंह मत फड़ो, चिड़ई का जान जाए लेके के खेलो ना। तोहार जन्मदिन हमार मरण दिन बने वाला बा। बाकी कहाँ है? बहुत बड़ा बाहुबली शंभूनाथ बाहुबली, बहुत सारा गुंडन का फौज रखले बड़ा तू, लेकिन तहार गुंडा इतना सारा गुंडा एगो लड़की के ना पकड़ पौलस। अरे कबीरा और मुन्ना ओकरा पीछे लागल बाड़न। सब बेकार चाइनीज फौज में तहार। सुन ली वो बनारस में बा, बहुत जल्दी ये पकड़ा जाए। फट दहेल यार, सारा राज खुल चुकल बा। अनुप्रिया के मालूम पड़ चुकल बा कि माधवी बनारस में बिया और अनुप्रिया भी बनारस निकल चुकल बिया। तब तो ये वाकई बहुत बड़ी मुश्किल बा। बाकी अब कैल का हो जाए? कैल के जाओ, हमने का अर्जेंट बनारस चले के पड़ी। चला 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 जल्दी। Thank you.
छोड़ो। अब आइल बाउट पहाड़ के नीचे है? ए कबीर मुन्ना ले जाई लड़की के पत्थर बांध के नदी में फेंक दे सतुरी के। डूब के मर जाई केहू के पता ना चली। तू तू के बड़ा और हमरा के मारा कहे जात बड़ा। सब पता चल जाई सब पता चल जाई। तनी धीरज रखा बिल्कुल चिंता मत करा सब पता चल जाई। बही है ए ले जा ले जा करके ले जा चल बात के फेंक दे। छोड़ा हमके ले जा। अब डॉक्टर साहब खुश हो जाइए। छोड़ा हमके। जीजा जी वाह वाह जीजा जी रउवा तो निष्ठा के हद पार कर देनी। इन नजारा देख के ता दुनिया के दिल दहल जाई। अरे लोगन के तो अपने पर से भरोसा ही उठ जाई। चुप अपना के बचावे खातिर हमरा ई सब करे के पड़ल। अपना बीबी के अपना बच्चा के अपना परिवार के का? का हम राउर परिवार के सदस्य ना रहनी? जे रहुआ ये सब कहीं नहीं हमरा साथी। हमारी इज्जत के तार तार करके रहुआ हमार जिंदगी के नरक बना देनी। का गुना रहे हमार ये है ना कि हम अपन जीजा और बहन के घर में रहत रहनी। हम अपन जिंदगी नरक बना के अपन बहन के घर उजड़े से बचा लेनी। लेकिन हम आज इनकी तबाह करके रवा के शांति ना मिलल तो अपन गुंडा पीछे लगा देनी। हाँ जब दुनिया में अपना लोग से भरोसा उठ जाए तो आदमी कहाँ जाए। और का लेकी के नसीब में इहे लिखल रहेला रास्ता होके स्कूल होके बाजार होके यहाँ तक अपन रिश्तेदार भी गलत नजर डाले। हाँ अरे इतना असुरक्षित का है केहू के तो पेट में ही मारल जाला और केहू के ससुराल में घोट घोट के मारल जाला। थक गई नहीं हम भाग भाग के थक गई नहीं हम। एक काम करी रहो मारे के चाहता नहीं मारी हमके मार दी हमके। कैसे कि हम राउर परिवार के सदस्य नहीं की केहू नहीं की हम राउर मारी मारी। अरे मार सारे के मार।
विशाल, इतना नीचता पे उतर जाइबा हम कबो सोचले भी ना रहनी। और राम रावण कैसे हो सकेला? अनु, हालात ही राम के रावण बनावेला। विशाल, छोड़ दे हमार बहिन के। हमने की संगत और हालात बनौलस, हम कौन पैदाइशी गुनागार ना है, पैदाइशी गुनागार ना है। अतु हमरा के रावण कहलू? अरे इतना सारा पिए वाला लोग के घर पर का गुजरत हुई, जब एक दिन के शराब हमरा पूरा जिंदगी के तबाह कर देलस। अनु, हमरा साथे साथे तोनियों के जिंदगी तबाह कर देलस। हम माधुरी खातिर काका सपना ना सोचोले रानी, ये अपना हाथ से सब खत्म कर देनी। अनु, सब खत्म कर देनी। बस एक दिन के सरा हमरा घर के तबाह कर देलस। उसे रब सरब जौन सब कुछ हमारे बर्बाद कर दिलस, तबाह कर देलस। अनु, अपना गुनाह के सजा हम खुद अपने आप के दे। दीदी, माधवी, माफ कर दिया। तोहरे जैसन आदमी के जिए के कौनो हक नहीं के।
दीदी जीजा जी हमरा साथे सब मालूम हो गेल बा। शायद ये ऊपर वाला के इंसाफ हा जौन सामने बा हम कानून से इंसाफ ता बाद में करवाई थी पर ऊपर वाला पहले ही इंसाफ कर दे ले पहले ही इंसाफ कर दे ले। हमारी ये फिल्म उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु लाई गई हेल्पलाइन 1090 पर आधारित है, जिसके जरिए महिलाओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचार ही नहीं बल्कि महिला अपराध पर भी एक हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। 1090 आपके लिए लाभप्रद तभी होगा जब आपके अंदर जुल्म से लड़ने की शक्ति पनपेगी। और कहा यही जाता है कि जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहने वाला दोषी होता है, और महिलाएं तो शक्ति का अवतार कही जाती हैं। उन्हें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। 1090 हर कदम पर उनके साथ है। महिलाओं को जागरूक करने का एक अभियान है हमारी ये फिल्म सांवरिया मोहे रंग दे। हमरे